हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल। आज आपको जो कल एग्ज़ाम हुआ है 19 जून 2018 को सेकंड शिफ्ट में यूपी पुलिस का, उसकी रीजनिंग और मैथ बताऊंगा। और अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और भी एग्ज़ामों की तैयारी करवाता हूँ। जैसे इस समय वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके फॉर्म चल रहे हैं, तो उसकी तैयारी करवा रहा हूँ और उसके मॉक टेस्ट शुरू हो गए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो 76 नंबर का क्वेश्चन है। सिल्क का जो ये कोड दिया हुआ है, कॉटन के लिखना है, तो इसका ऑप्शन सही है डी। डी ऑप्शन सही होगा। एक घड़ी में 1:40 ये वाला है, इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर पूर्व ऑप्शन ए सही है। मैं पढ़ूंगा नहीं, सीधे ऑप्शन बताऊंगा जिससे जल्दी हो जाएगी। 78 नंबर का जो क्वेश्चन है, अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे से सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, तो इसमें जो ऑप्शन है वो है पश्चिम, ऑप्शन बी सही है। और ये सरसन वाला है 79 का, इसका ऑप्शन सही है ए। अगला 80 वाला है, कथन है ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं, इसका ऑप्शन सही है बी। एट्टी वन नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका जो ऑप्शन सही है वो सही है ए। ए ऑप्शन सही है। आप प्रश्न देख के ही जान जाएंगे कि आपको कौन सा प्रश्न देखना है अपने पेपर में, कौन सी सीरीज का है। जो 82 नंबर का क्वेश्चन है, उसका बी ऑप्शन सही है, 433 होगा। और ये 83 नंबर का क्वेश्चन है, ये गड़बड़ है, इसका आंसर नहीं आ रहा है सही से, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ है। 84 जो है उसका आएगा 0.0015, ऑप्शन डी सही है। जो 85 नंबर का क्वेश्चन है, उसका भी ऑप्शन डी सही है, 2 सही 1/3, ऑप्शन डी सही है। समीकरण दी हुई है, महत्तम समापवर्त निकालना है, तो इसका ऑप्शन सही है ए, 27 आएगा, ऑप्शन ए सही है। एलसीएम निकालना है 64, 128 और 160 का, इसका ऑप्शन सही है डी, 640 आएगा। 88 का जो दिया हुआ है वो होगा ऑप्शन ए, 54। 89 में एक्स की वैल्यू होगी 28, ऑप्शन सही है सी। अब अगला प्रश्न है, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किए, ऋषि प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए ऋषि के, ऑप्शन बी सही है, 88% है। इरीन में मार्क्स की ये वाला जो क्वेश्चन है, उसमें जो है ऑप्शन डी सही है, 385 रुपये। ये जो अगला प्रश्न है 92 वाला, कलम के सेट ये वाला, इसमें जो ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन सही है सी, सी ऑप्शन सही है। 93 में जो है वो ऑप्शन सही है ए, 720। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि सर आपने गलत बताया, ये बताया वो बताया, अरे मतलब जब तक ऑफिशियल की ना आए तब तक मतलब एक अंदाज़ा लगाने के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल है तो बताता है, और 99% मतलब ये होता है कि वो सही बताने की कोशिश करता है, 1% में गलती हो जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो ध्यान रखिएगा, बस एक अंदाज़ा ले लीजिए, बाई चांस एक या दो क्वेश्चनों का हो जाता है तो आप उसको इतना समझ सकते हैं। तो 94 में जो है उसका ऑप्शन सही है डी, 63 रुपये होगा। 95 नंबर का है जो, उसका ऑप्शन सही होगा सुहास और नितिन में, 5/8, ये ऑप्शन सही होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है मेरे चैनल में या मेरी बातों में। 96 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन सही होगा सी, 40। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, इस वाले में 40 सही होगा, ऑप्शन सी। रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिन में करता है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन सही है वो सही है ए, 8 सही, 3/4। 98 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन सही है डी, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। संभाव त्रिभुज त्रिकोण को एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर क्षेत्रफल बताना है, तो इसका क्षेत्रफल होगा
462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी सही है इसका। जुबीन और प्रवीण में जो ऑप्शन सही है वो सही है ऑप्शन बी, 44 मिनट और 48 सेकंड। 101 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सही है डी, 1 घंटा 39 मिनट, ऑप्शन डी सही है, गोविंदा गोविंदा वाला जो है। 102 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें फल होगा ऑप्शन बी सही है, लार वाले में ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन बी, मतलब पित्त का मतलब क्या होगा, लीवर से संबंधित है। और तापमान का मतलब सेल्सियस है, जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम है, इसलिए इसका ऑप्शन सही है डी। और 105 में जो है वो उसका ऑप्शन सही है डी, केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर से, ऑप्शन सी सही है। मेघालय शिलांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड से कोहिमा, ऑप्शन सी सही है। 100 का मतलब शतांक है, शतक है, तो 10 का मतलब दशक है, ऑप्शन डी सही होगा। इसमें जो अनुक्रम वाला है 109 नंबर का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सही होगा सी, 12 आएगा। 110 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सही है ऑप्शन डी, 4, ऑप्शन डी सही है। 111 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन सी सही है। 112 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शन सी सही है। 113 नंबर में जो है जो पैसिव वाला है इसमें होगा 91, ऑप्शन सी सही है। 114 नंबर का क्वेश्चन है इसमें भी ऑप्शन बी सही है। यदि कोड को मेथड में ये लिखा जाता है तो प्रैक्टिस को क्या लिखा जाएगा, इसका ऑप्शन सही है बी। यदि कोड भाषा में मैंगो को ये लिखा जाता है तो एप्पल को क्या लिखेंगे, इसका ऑप्शन सही होगा डी। 117 का जो है चैटिंग को इस प्रकार लिख सकते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, ऑप्शन बी सही है। कमला से बात करते हुए तो इसमें ऑप्शन सही है ए, माँ। अगला प्रश्न है अब 119 का जो ऑप्शन सही है, एम एन की बहन है, आर एम की भांजी है, तो टी आर की माँ है, एन टी का संबंध बताइए, भाई है, ऑप्शन ए सही है। और इसमें जो 120 वाले में है देवर होगा, ऑप्शन डी सही है। 121 में जो ऑप्शन सही है वो सही है ऑप्शन बी। 122 में जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है ए। 123 में जो ऑप्शन होगा वो सही है ऑप्शन बी, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक। 124 में जो सही है ऑप्शन वो सही है ऑप्शन सी, 5 आएगा। वैन आर एक में ऑप्शन ए सही है। 126 में जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शेष से संबंध नहीं रखता, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, कोण। कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता, रोना, ऑप्शन बी सही है। 129 में जो होगा वो होगा यू, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से शेष से संबंध नहीं रखता, चश्मा, ऑप्शन डी सही होगा। और 131 में भी ऑप्शन डी सही होगा, शीर्ष वाला। और जो इसमें ऑप्शन सही है वो सही है ऑप्शन सी, आप देख रहे होंगे फिगर, आपको पता चल गया होगा। और जो 133 वाला है उसमें माता और पुत्र होगा ऑप्शन असंगत युग्म पूछा गया है। और 134 वाले में है इसको थोड़ा सा समझ में नहीं आया क्या क्या होगा इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सी ऑप्शन होना चाहिए। 135 में जो जल प्रतिबिंब पूछा गया है उसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है बी। 136 में जो पूछा गया है उसमें ऑप्शन सही है बी। 137 में जो है ऑप्शन वो सही है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। 138 में जो ऑप्शन सही है वो सही है ऑप्शन सी। 139 में जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है ए।
140 में जो सही है ऑप्शन वो सही है ऑप्शन डी। ठीक है, 141 में जो सही है ऑप्शन स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, तो इसका ऑप्शन सही है डी। 142 में जो ऑप्शन सही है वो सही है ऑप्शन ए, सिर्फ एक निष्कर्ष निकलता है कुछ कौवे शेर वाला। 143 में जो है सभी छात्र लड़के हैं कुछ छात्र वो हैं, तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका सी। 144 में जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सही होगा 10 ऑप्शन बी। 145 में ऑप्शन सी 90 आएगा, और 146 में जो है उसका ऑप्शन 99 आएगा, और जो इसमें है 147 में वो आर आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। 149 का जो है ऑप्शन डी सही, बी सही है। 149 का जो है आपका ऑप्शन बी सही है, इसमें 28 आएगा। 149 मार्क, 149 में भी आपका ऑप्शन बी सही है, बी सही है, और 150 में भी आपका ऑप्शन ए सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।